चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। नहीं इसको क्या करेगा आपका बटन कहाँ देवेगा हजवा का हम के पानी पर आपका बटन कहाँ देवेगा हजवा का हम के पानी पर कमलेट का नहीं है को लाल सलाम कमलेट का नहीं है को लाल सलाम लाल सलाम कहीं अकबर मत घबराना पीछे सारा जवान कल इनके कन्हैया जी के वोट देने की कन्हैया को कन्हैया वोट देने जिंदाबाद 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 कन्हैया कुमार जीतेंगे कहाँ जीतेंगे मेरा स्टाफ का बेटा है तो मेरा भी बेटा है जीतेंगे हाथी घोड़ा पालकी हाथी घोड़ा पालकी जो हमारी गरीबी से जूझ रहे हैं किसान की जूझ रहे हैं किसान को उतना अथी नहीं मिल रहा है मुआवजा में किसान गरीबी की तरह मर रहे हैं उसको कोई सुनवाई नहीं ले रहा है जो भी विधायक या एमपी बनते हैं यहाँ से लूट के और अभी हम कन्हैया को बस जिता कर रहेंगे सारे हमें स्टूडेंट और छात्र सब एक साथ हैं कन्हैया देश की आवाज़ है पूरे बेगूसराय की आवाज़ नहीं उसको सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं समेटा जाए वो पूरे देश की आवाज़ है पूरा युवा की आवाज़ है जैसे पिछले तीन सालों में अगर कोई सबसे ज़्यादा सरकार से बात की है आँख में आँख डालकर वो है कन्हैया कुमार और कन्हैया कुमार को बेगूसराय से भारी मतलब से विजय हम लोग दिलवाएंगे और संसद को पहुँचाएंगे दीदी आप कहाँ इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं कि कन्हैया को जिताएंगे क्यों हमको पसंद है हम सोचते हैं कि सब आदमी को देखेगा अच्छा चलाएगा तो उसी को ना हम देखेंगे हमें लगा अच्छा कर रहा है अब देश में अंधेरा फैल रहा है और ये एक किरण दिसी है हमारे इसलिए किरण के लिए आए भी बेगूसराय में कुछ तो हो रहा है अच्छे के लिए ये आज चलेगा तो सब अंधेरा दूर हो जाएगा क्योंकि इसके जीतने से और बहुत से कन्हैया उठ खड़े होंगे इनका इतिहास इस देश में शहादत का इतिहास नहीं है गद्दारी का इतिहास है इस बात को याद रखिएगा इनका इतिहास इस देश के लिए लड़ने का इतिहास नहीं है अंग्रेजों से माफी मांगने का इतिहास है इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि जब इस देश के लोग शहादत दे रहे थे तब ये अपना करियर बनाने में लगे हुए थे हमें इस बात में कोई नहीं पड़ी है कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए हमें इस बात की पड़ी है कि अगर हिंदुस्तान में राजनीति होगी तो लोगों के मुद्दों पर होगी और लोगों का मुद्दा ये है कि सबको शिक्षा सबको काम मजदूर को मजदूरी किसानों को उनके फसल का दाम हिंदू हो या मुसलमान
सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान, ये हमारा।